नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे WhatsApp के बारे में। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, आप अपने WhatsApp को जैसे ही ऑन किए होंगे तो उसमें एक पॉपअप मैसेज आया होगा जिसको एग्री या फिर नोट नाउ करने का एक ऑप्शन दिखाया होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें WhatsApp ने साफ साफ कहा है कि अगर आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करते हैं तभी आप हमारे व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो 8 फरवरी 2021 को आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं तभी आप व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा व्हाट्सएप को आप भूल जाइए। WhatsApp ने अपने पॉपअप मैसेज में यह स्पष्ट कहा है कि अगर आप WhatsApp की टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करते हैं तो आप WhatsApp यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा आपका WhatsApp स्वयं डिलीट हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर 8 फरवरी 2021 से पहले आपने इस पॉपअप मैसेज को एग्री किया तो आपका WhatsApp चलेगा, नहीं तो आपका WhatsApp बंद हो जाएगा और आप WhatsApp यूज़ नहीं कर सकते। हम बात करते हैं WhatsApp की टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर आप अपना डेटा किसी भी फ्रेंड्स के साथ, किसी भी ग्रुप में या फिर किसी भी व्यक्ति को भेजते हैं तो उसका इस्तेमाल WhatsApp कर सकेगा। WhatsApp उस डेटा को स्टोर करके रखेगा जिसे वह इस्तेमाल कर सकता है। आप WhatsApp की टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें तभी इसको एग्री कीजिए, अन्यथा आप WhatsApp चलाना बंद कर दीजिए। WhatsApp की यह टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी हमारे लिए सुइटेबल नहीं है तो इसके लिए हम अपना WhatsApp डिलीट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को बताएं। WhatsApp की टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के बाद WhatsApp की नज़र आप पर 24 घंटे बनी रहेगी। जो भी डेटा आप किसी को शेयर करेंगे उसकी डिटेल WhatsApp के पास जाएगी और आपके फ्रेंड्स के पास जाएगी। आपके द्वारा भेजा गया डेटा WhatsApp के पास रहेगा जिसका वह यूज़ कर सकता है। इसके लिए WhatsApp एक पॉपअप मैसेज भेजा था जिसको एग्री या फिर नॉट नाउ करना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इन सब से सहमत हैं तो आप एग्री के बटन पर दबाइए या फिर नॉट नाउ कर दीजिए और अपना WhatsApp डिलीट कर दीजिए। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति जाने, लेकिन WhatsApp का नया प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा गया है कि WhatsApp के द्वारा आपके डेटा की जानकारी रखी जाएगी। दोस्तों, यह जानकारी मैं आपको शॉर्टकट में बताया हूँ। इसकी पूरी डिटेल देखने के लिए आप WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें आपको WhatsApp की टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। WhatsApp की न्यू टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। दोस्तों, समय समय पर मैं इस तरह की जानकारी आपको देता रहूँगा। मेरी वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।